माफिया अतीक अहमद को भले ही सुपुर्द खाक किया जा चुका है, लेकिन उसके खौफ की कहानियां आज भी जिंदा हैं। अतीक और उसका परिवार इतना खतरनाक अपराधी था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक बार उसने प्रयागराज में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के रिश्तेदार की जमीन पर भी कब्जा कर लिया था, और वो भी तब जब देश में कांग्रेस की सरकार थी। तो क्या है ये किस्सा, चलिए सुनते हैं। ये मामला आज से 16 साल पहले साल 2007 का है। सबको पता है कि गांधी नेहरू फैमिली का आज के प्रयागराज और वक्त के इलाहाबाद से पुराना नाता है। गांधी परिवार का आनंद भवन भी यही है। सोनिया गांधी के ससुर फिरोज गांधी के बहनोई के भतीजे की पत्नी वीरा गांधी की संपत्ति सिविल लाइंस इलाके में थी। वहां के पैलेस थिएटर के पीछे वीरा गांधी की जमीन थी, जिसकी उस वक्त कीमत काफी ज्यादा थी। इस जमीन पर अतीक अहमद की बुरी नजर पड़ गई। बताया जाता है कि उसने इस जमीन पर कब्जा करने का फैसला कर लिया। सबसे पहले उसने उस जमीन के बगल वाली जमीन को खरीदा और उसके जरिए वीरा गांधी की जमीन पर कब्जाने की कोशिश में जुट गया। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अतीक ने अपने गुर्गों को उस जमीन पर कब्जा करवाने के लिए भेजा। उन सब ने उस जमीन पर कब्जा कर भी लिया और वहां अपना ताला डाल दिया। अतीक अहमद का खौफ इतना ज्यादा था कि स्थानीय स्तर पर मदद की आस बहुत कम थी। बाद में यह मामला सोनिया गांधी और तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास पहुंचा। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि पीएमओ ने यूपी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की। वहीं उस समय वहां की एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता से भी मामले को लेकर बात की गई। बाद में जब काफी ज्यादा दबाव पड़ा, तब अतीक ने वीरा गांधी को वो जमीन वापस लौटाई। इसके बाद वीरा उस जमीन को बेचकर मुंबई शिफ्ट हो गई। तो ये था अतीक का खौफ, जो फिलहाल तो खत्म हो गया है। आपको क्या लगता है कि इस केस में, यानी कि अतीक का जो केस है, जो सवालों के घेरे में चल रहा है, इसमें आगे क्या होगा, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।